फ्रूट पूरे ऐसे मिलते हैं देखो यहाँ विदेशों में भाई, 50,000 के 6 पीस तो गोलगप्पे भी खा सकते हो आप। 30 ग्राम 34,000 का। अगेन आपने मेरी एडवाइस नहीं मानी, उठ जाओगे बिल्कुल। 1.5 लीटर की है, 50 रुपये की, तो ठीक ही है, कोई बुराई नहीं। तो भाई डोसा तो आ गया, आप देखो खा 30-40 वाला हो रही हो, 70 का मिल रहा है तो एक्सपेक्ट। जैसे कि काजू है भाई ये मुझे लगा, तो एटलीस्ट ये ट्रैवल करके ना ये आइडिया लग जाता है कि आपको जैसे कहीं दूर जाना हो तो आप कौन सी कंट्री चूज करोगे। मान के चलो आप किसी कंट्री में जा रहे हो, थाईलैंड में बिताना चाहूँगा, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। ये चीज़ है क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल लगती है वो, और अगर वाया फुकेत हो जाए तो फिर तो कहने क्या। फुकेत में तो भाई पटोंग बीच के पास बुक करो और क्या नज़ारे होते हैं भाई लिटरली यार। मतलब जैसे मैं यहाँ पे रुका हूँ अच्छा है, लेकिन मुझे शायद ये करना चाहिए था कि सबसे लास्ट में मे बी एक बार यहाँ से थाईलैंड होके जाना चाहिए था या सिंगापुर लास्ट में, तो उसमें क्या होता, लास्ट का एक्सपीरियंस गजब का होता। यहाँ लास्ट का एक्सपीरियंस मिक्स सा है। एक प्लान है, प्लान क्या है, इसलिए मैंने $100 एक्सचेंज भी करा लिया है क्योंकि 10 लाख के आसपास तो इनमें से होटल वाले को देने हैं भाई, और फिर बचेंगे 13 लाख और 1 लाख मेरे पास है, तो 14 लाख बचेंगे टोटल। 14 लाख में खाना पीना घूमना फिरना आराम से हो जाएगा इन 4 दिन में, तो ये चीज़ है। तो यही भाई मेरा प्लान है, लेट्स सी। ये वाली सीट भी मस्त लग रही है, अभी आके देखता हूँ उसको। अरे इसी पे जाना है रेस्टोरेंट के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ तो फिर भी कुछ लोग दिखे हैं मुझे, थोड़ा यहाँ अच्छा लगा। सो देखो गोलगप्पे भी मिल रहे हैं यहाँ पे, 50,000 के 6 पीस है तो गोलगप्पे भी खा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ फिर बताऊँगा क्या करा। तो भाई डोसा तो आ गया, अब देखो खा के जैसा भी होगा खा के बताता हूँ आपको कैसा होगा भाई। तो मैं खाता हूँ बाद में आपको बताऊँगा। तो भाई ये था रेस्टोरेंट, खाना खाया कुछ खास नहीं लगा सच बताऊँ तो, मुझे तो ऐसे लगा बेकार सा टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि डोसा ना यार वो जो मलेशिया में था, सिंगापुर वगैरह में और जगह पे था, बहुत बढ़िया था, और साउथ इंडियन वाले रेस्टोरेंट पे अच्छा ही मिलता है यार, यहाँ पे कोई साउथ इंडियन दिखा नहीं मुझे राइट। तो उनका तो भाई टॉप का डोसा था, इससे अच्छा डोसा तो मुझे इंडिया में भी नहीं मिला जितना मलेशिया में उसने बनाया, बहुत अच्छा था। इसके यहाँ पे तो डोसा बकवास सा ही लगा टू बी ऑनेस्ट विद यू, पर ये है एक चीज़ अच्छी है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है नंबर वन। जो चीज़ अच्छी हुई वो ये कि कम से कम पेट भर गया मेरा यार। अब यार मैं एक स्टोर देख रहा हूँ जहाँ से कि मैं पानी ले सकूँ राइट, पानी लेंगे और मे बी ऑरेंज जूस वगैरह ले लूँगा रात के लिए। तो भाई ये स्टोर है सर्कल के करके, इसके अंदर जाते हैं देखते हैं भाई पानी वानी का क्या रेट है क्या चीज़ है वियतनाम। सो दिखाता हूँ कि वियतनाम कितना महंगा है राइट। सो मैं एक स्टोर में आया हूँ, सो तो भाई ये एक्वाफीना की एक्वाफीना मिल रहा है यहाँ पे, तो इंडियन जब यहाँ एक्वाफीना मिल रहा है तो माजा भी मिल सकती है 1%, अलग इनके पास नहीं है। that's like a drum. देखें भाई छोटी सी बोतल भी 6,000 वियतनामीज डोंग, 7,000 वियतनामीज डोंग, तो अगर नहीं कोई कितना हो गया 20 रुपये के आसपास की बोतल है छोटे वाली, एक्सपेंसिव है लेकिन बड़ी देखते हैं अभी पाने वाली नॉर्मल। सो ये मिल रही है एक्वाफीना की बड़ी बॉटल है 14,000 वियतनामीज डोंग की है, तो इन्होंने तो सारों ने मिलकर ये ले ली बड़े वाली, तो कई दिनों के लिए रह रहे होंगे सारे। तो अपनी मिल रही है 50 रुपये की, ये वाली 1.5 लीटर की है 50 रुपये की, तो ठीक ही है, कोई बुराई तो है नहीं इसमें, 1.5 लीटर 50 रुपये की लेने में कोई बुराई नहीं है राइट। तो और यू मिल रहा है ये वाला, वही जो 40-50 के आसपास का इंडिया में मिलता है, 30 से 50 के बीच में मिलता है, ये 20,000 का मिल रहा है। तो 20,000 का मतलब हो गया, 20,000 मतलब 70 रुपये का मिल रहा है, ये तो एक्सपेंसिव तो है भाई। तो ये मिल रहा है 70 का भाई, तो 30-40 वाला हो रही हो 70 का मिल रहा है, तो एक्सपेंसिव तो है भाई सब चीज़ें। ये और क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, पानी का आइडिया लगवा दिया, इसका आइडिया लगवा दिया, और मे बी आई डोंट नो मे बी और क्या दिखाऊँ यार। अच्छा इनके पास एक चीज़ अच्छी है अपने लिए, क्या है, माजा तो नहीं दिख रही पर मुझे यहाँ कहीं एक ऑरेंज जूस दिखाता है, यार देखो जैसे ये वाली है ना 22,000 वियतनामीज डोंग की, तो यहाँ ये ऑरेंज जूस वाली ड्रिंक सी है एक, सो आई थिंक सो ये माजा जैसा ही होगा, कुछ मैंगो फ्लेवर ड्रिंक विद ये सब चीज़ें राइट। तो देखते हैं इसको, अभी फ़िलहाल तो मैं ले लूँगा, पहले मैं देखता हूँ। और
मूंगफली, यस मूंगफली समथिंग लाइक दैट मे बी, आई डोंट नो। जैसे कि काजू है भाई, ये मुझे लग रहा रोस्टेड से हैं। और भाई ये है 32,000 वियतनामीज डोंग का पैकेट, यानी 113 रुपए के आसपास का है ये वाला भाई। 113 रुपए बहुत एक्सपेंसिव है यार, ये तो जरा 50 ग्राम 113 रुपए के मिल रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई वियतनाम में। ये चीज़ मुझे लग रही है देख के भाई, देखो नमक के बादाम है भाई, अगेन आई गेस 30 ग्राम से 30 ग्राम 34,000 का, अगेन वही 120-30 रुपए का, एक्सपेंसिव है भाई, काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है अभी तक तुमने भाई वियतनाम में। आप इसे देखते हुए और सारी कंट्री ज़्यादा अफोर्डेबल थी इससे, सो राइट। वैसे जिन देशों की करेंसी डाउन है, ये मतलब बड़ी लाखों में नोट चलते हैं, लोगों को लगता है कि चीप है, बट एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव है। इनके यहाँ उल्टा सामान, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो सामान महंगा मिलता है, ये मैंने नोटिस कर लिया है। यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो बड़ी लेने में ये 14,000 की मिल रही है 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर पानी 14,000 में मिल रहा है। और यहाँ पे सेम एक्वाफीना 7,000 में मिल रही है इतनी सी, यानी 600 ml 7,000 में और 1.5 लीटर 14,000 में। तो आप देख रहे हो बड़ी लेने में कितना बेनिफिट होता है। जैसे नेल कटर है तो भाई 4,200 डोंग का, ये 150 रुपये का, ठीक है, मतलब ऐसे इंडिया में आई थिंक 5,500 रुपये का मिल जाता होगा, तो इससे आप आइडिया लगा लो। ये सॉक्स है जैसे ये वाली, आई थिंक इंडिया में आप 200 रुपये तक की 3 पेयर आ जाते हैं। ये इसमें भाई एक है 38,000 का, ओ भाई काफ़ी एक्सपेंसिव है यार ये, 133 रुपये का एक इंडिया में, और 70 डाल के 200 में 3 आ जाते हैं, अरे 3 पेयर आराम से, अच्छी क्वालिटी है, तो एक्सपेंसिव है भाई, काफ़ी एक्सपेंसिव है देखना अभी तक तो मुझे लग रहा है। और इस स्टोर में कुछ है नहीं, तो चलो किसी और स्टोर में चलता हूँ, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ बाकी, राइट। भाई स्टोर से बाहर आया था, बाहर आने के बाद यहाँ पर मुझे दिख गए सामने सेव वेव से, तो इन्होंने फ्रूट पूरे ऐसे मिलते हैं देखो यहाँ विदेशों में भाई, 2002 एंड 74.3 54.2, तो ये लगभग कितने हो जाएंगे 175-180 रुपए के 2 सेब हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई वियतनाम, ये चीज़ तो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो खैर चलो फिलहाल मैं ले लेता हूँ ये 2 सेब, तो क्योंकि आज तो मुझे पता नहीं, बाद में ये पता चला ये भी चली गई, मैं घूमने गया बाहर कहीं रात को, तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिलहाल ले लेते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ध्यान से सुनना वरना लूट जाओगे, राइट। सो एडवाइस क्या है कि जब यहाँ पे करेंसी, आप मतलब कोई भी सामान खरीदो और किसी को पैसे दो, राइट। सो जब आप किसी को कोई सामान खरीदो और पैसे दो, तो उसको नोट को कम से कम 2-3 बार जीरो गिन लेना, कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 करके, क्योंकि यहाँ पे क्या चक्कर है, 1 लाख के नोट है, 2 लाख के नोट है, 5 लाख के नोट है भाई, 50,000 के भी नोट है। अब कई बार क्या हो रहा है कि 50,000 देने और गलती से निकल रहा है 5 लाख का नोट, तो हो सकता है कि आप गलती से 5 लाख का दे दो, और ये तो भाई लेके रख लेंगे, इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो इस बात का ध्यान रख लेना, ऐसी गलती हो सकती है आराम से। तो मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं दे रहा हूँ 50 का, निकल रहा है 5 लाख का, राइट। सो नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई लग गया चूना मेरे साथ, तो ये ध्यान रखना बहुत ध्यान से, देख देख के देना, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में बड़ी करेंसी होती है ना, काफ़ी प्रॉब्लम आती है ये, और कुछ लोगों को तो करेंसी की ये प्रॉब्लम होती है, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि इंडोनेशिया में और वियतनाम में बड़ी बड़ी करेंसियाँ हैं काफ़ी, और यहाँ तो स्पेशली भाई मतलब 5-5 लाख के भी नोट हैं, 50,000 के भी है, तो कन्फ्यूज़न काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, ये बात ध्यान रख लेना। जैसे आप ट्रैवल करोगे फिर तो आदत पड़ जाएगी, अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है, मतलब इतने कंट्रीज़ में जो भी है जाके, अब तो ठीक है, पहले दिन थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसके बाद से अपना ऐसा लगता है कि ठीक है अपना जो भी है सही है।